नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HDFC AMC के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं लेकिन इसका प्राइस हाई होने के वजह से ख़रीद नहीं पा रहे थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उनको कल हो सकता है कि उनको चांस मिलेगा ख़रीदने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या वो बड़ी न्यूज है, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये BSE का साइट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे एक सेगमेंट है, ये अनाउंसमेंट का सेगमेंट। यहाँ पे देखिए आप डेट देख सकते हैं, 3/12/2019, मतलब आज का डेट। यहाँ पे एक नोटिस मिला है, BSE को एक नोटिस भेजे है HDFC AMC ने। इसको मैं खोल के आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे HDFC AMC का एक OFS आने वाला है जो कि कल ओपन हो रहा है, यानी कि 4/12/2019 को ओपन होगा। यहाँ पे जो प्रमोटर है स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये प्रमोटर स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये इनका जो स्टेक है HDFC AMC में, उनमें से ये 2.23% स्टेक ऑफलोड करेंगे, जो कि हो रहा है 47,50,000 शेयर, जो कि इक्विटी शेयर कल मार्केट में OFS के जरिए अपलोड होगा। कल यानी कि 4/12/2019, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। ये डेट को नॉन रिटेल जो इन्वेस्टर है उनके लिए ये डेट रहेगा, वो लोग कल के डेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस OFS में। और बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर है, मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स है वो रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, उनके लिए ये 5/12/2019 यहाँ पे देख सकते हैं। ये 5/12/2019 तारीख को वो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस OFS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और OFS का टाइम रहेगा 9:15 से लेकर दिन के 3:30 तक, पूरे दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 5 तारीख को अप्लाई करेंगे और जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर है वो 4 तारीख को अप्लाई करेंगे। ये तो था कुछ इन्फॉर्मेशन OFS के बारे में। आइए अब फ्लोर प्राइस देख लेते हैं, ये कितने प्राइस पे ये OFS आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस रहेगा वो 3,170। अगर हम आज की क्लोजिंग प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 3,440 के अराउंड यहाँ पे आज क्लोज हुआ है। वहाँ से अगर ये प्राइस को देखेंगे तो लगभग 8% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोई अगर सोच रहा है इनको ख़रीदने के लिए एक लंबे टाइम से, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कल ख़रीदने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जब कल मार्केट ओपन होगा तो इनका जो IPO, इनका जो शेयर का प्राइस है वो भी नीचे ओपन होने का पूरा चांसेस है। अगर ये 3200 के अराउंड कहीं पर भी ओपन होता है तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आप मेरे से एग्री हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि इसका अगर सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप हुआ था, और इसके साथ साथ ये टैक्स कट का भी बेनिफिट इनको मिल रहा है, और उसके साथ इनका जो एक्सपेंस है वो भी रिडक्शन हुआ था। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जहाँ पर ये ओपन होगा वहाँ उधर से वो रिकवरी कर सकता है। ये तो था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।